डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारी लाइफस्टाइल और आदतों की वजह से पैदा हो रही है। अनियमित खानपान के कारण मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल संबंधी बीमारियां होने लगती है, जिसमें मधुमेह का सीधा संबंध आपकी लाइफस्टाइल या वंशानुगत कारणों से है। डायबिटीज को इसलिए भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि धीरे धीरे इसका असर शरीर के दूसरे अंगों पर भी पड़ना शुगर होता के है। पेशेंट आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में समस्या बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का एक तो पहली बात जो खाने पीने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अब पहले के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, तो उनको ये बीमारियाँ बहुत छूती नहीं थी। आज के टाइम में शुगर की जैसी बीमारी हर आम होती चली है। तो शुगर का सबसे मेन जो कारण है वो है हमारा खान पान। हम जो है वो रिफाइंड फ्लोर ज़्यादा लेते हैं, चक्की का आटा अब बहुत कम इस्तेमाल होता है घरों में, मोटे अनाज बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर बढ़ाने का काम नहीं करता। या अगर हम खाने में सलाद लेते हैं तो सलाद से भी जो उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम रहता है और शुगर जो है एकदम से इंक्रीज नहीं होती है। तो शुगर को कम करने में बहुत हद तक हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनके शुगर लेवल बढ़ रहा है। बहुत सारी मैदे से बनी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिलके शुगर लेवल को बढ़ाती हैं। तो हमें खाने पीने की चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ों में जिससे हमें डायरेक्टली जाके शुगर लेवल बढ़ेगा और किन चीज़ों से जो है वो शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा।